हाँ तो बताओ कैसे हो? चोट लगी है पैर पे? ओह अभी देखता हूँ। बस हो गया, थोड़ी देर और, थोड़ा सा इंतजार, परेशान मत हो, आ जाओ। वैसे तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें आई हैं, और तुम पूरी रात शोर क्यों मचाती हो? हाँ बोलो। सिलीम, इबो, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तुम्हारी चीची तो ठीक है? हाँ वो हम यहाँ एक जानवर के बारे में जानने आए हैं। मेरा नाम ऐदा है। हाँ मुझे याद है, हम गलती से ऑफिस में टकरा गए थे। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ जानना है चीते के बारे में। देखो सिलीम, मैं क्लिनिक बंद करने वाला हूँ। हम आपका थोड़ा ही वक्त लेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक कहा ना? चीते को कैसे काबू किया जा सकता है ये बताइए हम लोगों को। अगर बहुत सारे छोटे शिकारी एक साथ झुंड बनाकर उसे घेर लें। घेरना है? उसके बाद चीता कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन क्या? वो सब अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो चीते का शिकार तब कर सकते हैं जब एक साथ हमला करें। ऑपरेशन चीता, तो क्यों ना शुरू किया जाए। ये ऑपरेशन चीता क्या है? ऑपरेशन चीता, क्या हम कामयाब होंगे? इमरजेंसी, हमें चीते को काबू करना है तो सब लोग ऑफिस में आ जाएं। अगर सबने हमारा साथ दिया तो हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो? रात में क्यों बुला लिया हमें? दिन में नहीं मिल सकते थे क्या? अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। सब मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे दोस्तों, यहां जो भी मुसीबत आई है उसका सामना हमने साथ में किया है। यहां हमारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। दुख सुख जैसा भी वक्त हो साथ झेला है। क्या मुश्किलात से कभी हम भागे हैं? नहीं, हम भागे नहीं बल्कि उसका डट के सामना किया, क्योंकि ये हमारी कंपनी है। तो किस्मत ने हमें एक दफा और मुश्किल में डाल दिया है, उस डायरेक्टर की सूरत में। उसे क्या लगता है हम हार मान जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। अब सोचो, ये नया डायरेक्टर नहीं आता तो मर्व इतनी मायूस होती क्या? और क्या बुराक को यहाँ से जाना पड़ता नौकरी छोड़कर? बुराक को कॉल की थी क्या? वो आ रहा है? मुझे नहीं मालूम। चलो उससे बाद में बात कर लेंगे, परेशान है अभी। हो सकता है उसने मैसेजेस चेक ना किए हों। बस उस एक आदमी की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरा घर भी। तो घर का क्या हुआ तुम्हारे? कंपनी, ये भी तो मेरा घर है ना। कंपनी पर बात हो रही है, ज्यादातर यहीं पे वक्त गुजरता है, ये भी तो हमारा घर हुआ। वैसे ये ऑपरेशन सीता क्या है बताओ जरा। हाँ, उसी मौजू पे आ रही हूँ मैं। हमारा नया डायरेक्टर एक चीता है। वो एक एक करके हम सबका शिकार करेगा, उसका यही मकसद है। तो हमें एक साथ होकर उसका सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से उसे निकाल के छोड़ेंगे। अब हम में से किसी को भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर हालात का सामना करना है। हम उसे उसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे, मिलकर मुकाबला करेंगे उसका। सब मेरे साथ मिलकर ये अहद करें कि हम उसे इस कंपनी से बाहर निकाल के रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर जरूरत पेश आए तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, और हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। मुझे लगता है ये डायलॉग कहीं सुना है मैंने। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये। तो इसका मतलब सिचुएशन इतनी खराब है। हे, क्या हो गया तुम लोगों को? हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं, तमाम मुश्किलात का सामना मिलके कर सकते हैं। नहीं कर सकता मैं, मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। मेरा भी मूड कुछ अच्छा नहीं है, तो इसमें मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। ऐसे तो मत कहो तुम लोग, उम्मीद अभी भी बाकी है।
एक प्लान है हमारे पास और एक टारगेट भी है हमारा। जश्न मनाना चाहिए, डांस करना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए। गुलामी की इन जंजीरों को हमें तोड़ना होगा। ये वक्त है आवाज बुलंद करने का। चलो जश्न मनाते हैं, हमारी बर्बादी का और प्यार के इख्तिताम का। हमें क्या अलग होने का जश्न मनाना चाहिए? मामले का जांच का। चुप हो जाओ तुम लोग, मेरा मोराल भी डाउन कर रहे हो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जश्न चाहिए जश्न।